हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो WWE ने फिर से शॉक कर दिया है फैंस को, क्योंकि इस बार WWE ने फायर किया है द फिंड ब्रे वाइट को, और इस पर बहुत से रेसलर्स ने रिएक्ट भी किया है। और फैंस ने तो ये कह दिया है कि एलेक्सा ब्लिस की वजह से द फिंड ब्रे वाइट फायर हुए हैं, और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की रेटिंग्स इस हफ्ते फिर से कम हो गई है। और क्योंकि वुमेन्स टैग टीम चैंपियन नैटालिया इंजर्ड हो गई थी, इसलिए अब नैटालिया और तमीना को उनकी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप रिलिंक्विश करनी पड़ सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो मैंने आपको बता दिया था कि WWE आने वाले हफ्तों में और भी बहुत सारे सुपरस्टार्स को रिलीज करने वाले हैं, और फैंस को एक बार फिर से शॉक कर दिया है WWE ने, क्योंकि उन्होंने इस बार द फिंड ब्रे वाइट को फायर कर दिया है। और इसका रीजन भी WWE ने बजट कट दिया है ब्रे वाइट को और एलेक्सा ब्लिस, जिन्होंने अभी हाल में बहुत सारी स्टोरीज की है ब्रे वाइट के साथ। उन्होंने ये कहा है कि थैंक यू सो मच ब्रे वाइट, और एलेक्सा ने ये भी कहा कि उन्हें बहुत ही मजा आया था ब्रे वाइट के साथ काम करने में, और ब्रे वाइट बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही अच्छे इंसान भी है। और एलेक्सा ने ये भी कहा कि वो अभी बहुत ज्यादा शॉक में है कि WWE ने कैसे फायर कर दिया ब्रे वाइट को। लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस ने एलेक्सा ब्लिस को ये कहा है कि उनके वजह से WWE ने रिलीज किया ब्रे वाइट को, और फैंस ने ये भी कह दिया है कि एलेक्सा ने द फिंड का कैरेक्टर चुरा लिया, और जब फिंड को WWE अच्छे से बुक नहीं कर रहे थे तो उन्होंने एलेक्सा ब्लिस को फिंड का कैरेक्टर दे दिया और फिंड को फायर कर दिया। वैसे क्या आप लोग भी द फिंड के रिलीज से शॉक हो या नहीं, कमेंट्स में बताएं, और कमेंट्स में थैंक यू ब्रे वाइट लिखकर उन्हें सपोर्ट भी दिखाएं। ब्रॉन स्ट्रोमन, जिनके साथ ब्रे वाइट की अच्छी खासी हिस्ट्री रही है, उन्हें भी WWE ने अभी कुछ टाइम पहले फायर किया था। तो स्ट्रोमन ने सोशल मीडिया पर कहा है कि वो उनके भाई ब्रे वाइट का इंतजार कर रहे हैं, और मैट हार्डी ने ट्वीट किया है उनकी और ब्रे वाइट की फोटो जहां ये दोनों हाथ मिला रहे हैं। और रेने यंग ने ये कहा है कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा, लेकिन अब वो एक्साइटेड हैं ये देखने के लिए कि ब्रे वाइट अब आगे क्या करने वाले हैं। और भी बहुत सारे सुपरस्टार्स ने ब्रे वाइट के साथ उनकी फोटो पोस्ट की है सोशल मीडिया पर, और फैंस ने ये कहा है कि ब्रे वाइट को AEW में जाकर डार्क ऑर्डर ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ब्रे वाइट आने वाले टाइम में क्या करते हैं। और क्योंकि अभी ओलंपिक्स चल रहा है, इसलिए मंडे नाइट रॉ और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की रेटिंग्स हर हफ्ते कम हो रही है, और इस हफ्ते स्मैकडाउन को देखा था 1.909 मिलियन व्यूअर्स ने, जबकि पिछले हफ्ते की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को देखा था 2.04 मिलियन व्यूअर्स ने। और क्योंकि नैटालिया इंजर्ड हो गई हैं और उन्हें अभी टाइम लगेगा इन रिंग रिटर्न करने में, इसलिए WWE ने ये बताया कि आने वाले मंडे नाइट रॉ में वो एड्रेस करेंगे कि क्या वुमेन्स टैग टीम चैंपियन नैटालिया और तमीना उनकी चैंपियनशिप वैकेंट करती है या नहीं। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।